दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को एक इंटरेस्टिंग लुक देना चाहते हैं तो इस वीडियो को आज आप लोग पूरा देखते रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को एकदम इंटरेस्टिंग लुक के साथ बेस्ट वे में दिखा सकते हैं। तो उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है, और कस्टमाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शाम, आप देख रहे हो टेक टेक्निकल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले ऐप की तरफ, जो कि एक लॉन्चर है जिसका नाम है आर्क लॉन्चर। जैसे आप लोग जानते हैं कि आयरन मैन करके एक मूवी आई थी जिसमें टोनी स्टार्क नाम का एक हीरो था। आपने देखा कि उसके चेस्ट के बीच में एक गोल गोल सा कुछ करके लगा होता है जिसको कि आर्क रिएक्टर होता है। तो सेम इसका भी कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे आप इसको परमिशन ग्रांट करके सभी एक्सेस कर देते हो और कुछ इस तरह का इसका आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। बीच में आप एक रेड रेड कलर का देख रहे हैं, यही एक आर्क रिएक्टर है। अगर आप नीचे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी तरह देखने को मिल जाती है। आप सबसे अच्छी बात इस लॉन्चर की ये है कि टोटली फ्री ऐप है, आपको इसके अंदर से जो है कुछ भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी चीज़ इसके अंदर फ्री मिल जाती है, कोई प्रीमियम चिप लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात कि ये इजी टू यूज़ है, आपको इसका जो इंटरफेस है उससे घबराने की जरूरत नहीं, आपको बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाएंगे, सभी चीज़ें आपके सामने होगी, बस आपको उन्हें यूज़ करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, टाइप करके यहाँ पर मैंने एक वॉइस असिस्टेंट ओपन किया है जो कि खुद का इसका ही है। यहाँ पर अगर मैं इसको ऑन करके बोलता हूँ कुछ भी, आप जैसे कि व्हाट्सएप बोलता हूँ मैं ऑन करके, तो यहाँ पर जो है व्हाट्सएप को ओपन कर देता है। तो सबसे अच्छी बात लगी मुझे इस ये जो लॉन्चर है कि इसमें आपको एक वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत से लॉन्चर्स के अंदर नहीं आता है। तो ये काफ़ी कूल लुक देता है आपके डिवाइस को और काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आर्क रिएक्टर की तरह यहाँ पर इसने काम करना भी शुरू कर दिया। साइड में आपको सारी डिटेल्स मिलती रहती है, आपकी पावर की, बैटरी की, स्टोरेज की, सभी की डिटेल आपको इसकी आपकी स्क्रीन में मिल जाती है। अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके मेन्यू बार देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। एंड अगर आप चाहें तो इसके बीच में टैप करके आर्क रिएक्टर के आप अपने वॉलपेपर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर मुझे यहाँ पर कोई दूसरा वॉलपेपर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर जाकर के कोई भी एक वॉलपेपर अदर से चूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए कि मेरे को अभी नया वॉलपेपर लगाना है, तो मैं यहाँ पर ये स्पाइडरमैन वाला एक बार कर देता हूँ, उसको ओपन करता हूँ। देख रहे हैं कि कुछ इस तरह के यहाँ पर इसका इंटरफेस आ जाता है एंड आप इसको लिटरली अपने तरीके से जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, लिंक आपको इस ऐप का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर आप इसको जाकर प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं आर्क लॉन्चर के नाम से। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने दूसरे ऐप की तरफ। तो दोस्तों, दूसरे ऐप में मैं आपके लेकर आया हूँ विंडोज़ से रिलेटेड, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये जो लॉन्चर दोस्तों, इसका नाम है विंडोज़ लॉन्चर, कंप्यूटर लॉन्चर के नाम से आता है, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है इस लॉन्चर का, यानी कि टोटली जो आपके मोबाइल की स्क्रीन है उसको टोटली विंडोज़ 10 में कन्वर्ट कर देता है, और पूरे सभी के सभी फीचर जैसे कि विंडोज़ 10 में आपको देखने को मिलते हैं आपकी स्क्रीन पर, वैसे ही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इसका यूज़ करके मज़े लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा, आपको उसकी स्क्रीन रोटेट करनी होगी, यानी कि इसको लैंडस्केप में रखना होगा। एंड उसके बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन से जो है एक OTG कनेक्ट करनी होगी, एंड OTG कनेक्ट करने के बाद आप इसमें एक USB माउस को कनेक्ट करके इसको एज अ कंप्यूटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लिटरली आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसको यूज़ करके, एंड आप इसको जो है डेली बेसिस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सभी चीज़ें आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, तो आपको कुछ भी ढूंढने की आसानी मुश्किल नहीं होगी, तो आपको सभी चीज़ें इसमें आसानी से मिल जाएगी। और इसका तो आप जो है इजी टू यूज़ कर सकते हो, और ये भी जो एक फ्री ऐप है, इसमें भी आपको कोई प्रीमियमशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी फीचर्स आपके सामने इसके अंदर फ्री में मिल जाएंगे। अब यहाँ से आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर माई कंप्यूटर पर जाता हूँ तो पूरे का पूरा सिस्टम बिल्कुल वैसा ही निकल कर आता है जैसे कि एक विंडोज़ में देखने के लिए मिलता है। आपको सभी चीज़ें सेम वैसे ही होती है, आपको पूरा का पूरा फील कराते हैं जैसे कि आप एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो। इसके जो साउंड्स होते हैं, सभी चीज़ें आपको टोटली वैसे ही देखने को मिलती है जैसे कि विंडोज़ 10 की है। यहाँ पर सभी चीज़ें आपको देखने के लिए ईजिली मिल जाती है, आप यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ भी मतलब बटा जो भी आप कंप्यूटर में करते हैं सब आप एक तरह से कर सकते हैं, वही आपको एक कॉपी दे देता है पूरी की पूरी। तो यहाँ पर ये था दोस्तों, ये जो अवेलेबल आपको जो है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा कंप्यूटर लॉन्चर के नाम से, या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी आप इसका जो इसी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको दूसरा वाला ऐप भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने तीसरे ऐप की तरफ। तो दोस्तों, दूसरे ऐप ने जो है आपको विंडोज़ का फील कराया, अब जो तीसरा ऐप है वो आपको आई मैक का फील कराएगा, यानी कि जो एप्पल के आते हैं कंप्यूटर्स उसका फील कराएगा। जैसे कि देख रहे हैं, लॉन्चर फॉर मैक ओएस के नाम से आता है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। परमिशंस ग्रांट करने के बाद जब आप इसको ओपन करते हैं तो उसका पहला इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड जब इसको पूरे
तो जो आपकी जो मेन्यू है, ऐप्स की मेन्यू है, वो यहाँ पर बहुत ही आसानी से ओपन हो जाती है। दोस्तों ये था लॉन्चर फॉर OS जो कि ये था एंड्रॉयड के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला ऐप भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर हम अपने जो है चौथे ऐप की तरफ, जो कि आता है एक स्क्रीन कस्टमाइजेशन से। यानी कि ये जो थे शुरू में थी, मैंने आपको तीन लॉन्चर दिखाए, अब आता है यहाँ पर आपके स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर इसको AOA के नाम से है, यानी कि ऑलवेज ऑन AMOLED के नाम से आता है। जो आप सारी परमिशंस इसमें एक्सेस कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर आपका। इसका मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि OnePlus के मोबाइल आता है एक, उसमें कुछ फीचर्स आपको देखने में मिलता है कि जैसे ही आप अपने डिस्प्ले को ऑफ़ कर देते हो तो वहाँ पर बाद में कुछ टाइम पर जो है एक आपकी डिस्प्ले ऑन होती है जिसमें सिर्फ आपको टाइम शो होता है, यानी कि बहुत ही कम लाइट में आपको टाइम शो होता है। सेम वैसे ही इसका भी काम है, यानी कि इसमें जो है आपको वैसा ही फील मिलता है। एंड इसमें आपको सच में काफ़ी ज़्यादा जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इसको अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो UI उसका चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरह का UI चाहिए, डिफ़ॉल्ट चाहिए या फिर और किसी तरह का UI चाहिए। आप इसमें जैसे भी देख पा रहे हैं यहाँ पर अपने हिसाब से इसको ईजिली कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लॉक आपको किस तरह की चाहिए, जिस तरह की क्लॉक आप देखना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फ़िलहाल लॉक है, लेकिन धीरे धीरे करके सारी ओपन हो जाती हैं जब आप एक बार यूज़ करते हो। तो इसमें आप कुछ टास्क मिलते हैं वो आपको करने होते हैं, तो धीरे धीरे करके ये भी ओपन होती रहती हैं। तो बाकी की चीज़ें करने के बाद यहाँ पर आपको मैं और भी कुछ चीज़ दिखाता हूँ कि अगर जब आप ये कर लेते हो तो आप यहाँ पर फ़ॉन्ट को भी चेंज कर ले सकते हो। जैसे कि यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइल है, अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ तो उस हिसाब से जो है ये आपका जो UI है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार जो है इसका प्रीव्यू शो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ, एक कोई भी एक बैकग्राउंड जो भी मेरे को अच्छा लगे। जैसे मैं प्रीव्यू ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से जो है आपको अपनी स्क्रीन पर शो होएगा। जैसे अब आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो कुछ इस तरीके से आपको जो है एक इंटरफेस देखने मिलेगा स्क्रीन पे, जो कि वाकई में देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड काफ़ी बढ़िया आपको जो है एक लुक फील करवाता है। दोस्तों ये था हमारा जो है यहाँ का आपका चौथा ऐप। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने आखिरी ऐप की तरफ, पाँचवें ऐप की तरफ। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले ऐप की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो पाँचवा ऐप है वो आपकी स्क्रीन में चार चांद लगा देगा। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन में चार चांद लगा देगा। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर लास्ट में जो एक ऐप यहाँ पर बच चुका है, एंड उस ऐप की बात करूँ दोस्तों वो ऐप जो आपकी स्क्रीन के जो बॉर्डर्स होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी जो है एक लाइटनिंग इफेक्ट देता है, यानी RGB इफेक्ट देता है। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर इसका निकल कर आता है। एंड इसका भी लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके का देखने मिलता है। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तो ये आपके जो मोबाइल के जो बॉर्डर्स होते हैं, स्क्रीन के बॉर्डर होते हैं, वो साइड में कुछ इस तरीके का RGB कलर्स के साथ आता है। तो यहाँ पर ये आप इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आपको स्नोफ्लेक्स मिल जाती है, कुछ डॉट टाइप से मिल जाते हैं, मतलब आपको कई तरह के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपने ऑप्शंस के हिसाब से इसे जो सेट कर सकते हैं एंड इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी आपको इसमें ऑप्शन मिलते हैं एंड अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री ऐप है, कोई प्रीमियमशिप आपको इसके अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यही मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को चूज़ करूँगा। एंड यहाँ पर मैं और भी कुछ चूज़ करता हूँ, जैसे कि इसका बॉर्डर का जो है मुझे कम रखना है, ज़्यादा रखना है, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा बॉर्डर ये लग रहा है देखने में। तो इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, यानी कि थोड़ा कम ही हो गया, इतना काफ़ी है। एंड अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके, तो उसको बाकी की चीज़ें भी मैं इसमें कर लेता हूँ, यानी कि जो राउंड कॉर्नर है इसके। पहली बात तो दोस्तों ये एक ऊपर फ्रेम लगा हुआ है स्क्रीन को, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको खुद अपने मोबाइल फ़ोन में करोगे ना तो लिटरली आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप एक ब्लैक वॉलपेपर के साथ इसको यूज़ करोगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर नॉच के हिसाब से भी आ जाते हैं कि आपके मोबाइल में जिस तरह का नॉच चाहिए उस हिसाब से भी काम करता है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में बड़ा नॉच है तो उसको आप एडजस्ट करके छोटे नॉच में भी ला सकते हैं, जितना बड़ा आपका मोबाइल का नॉच है उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। हालांकि मेरे मोबाइल फ़ोन में भी एक नॉच है लेकिन ऊपर जो है एक फ्रेम लगा हुआ है तो उसमें से आपको नहीं दिखेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन थी इसलिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको और एडजस्ट कर दें, मतलब आप इसको अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई नॉच है तो। जब आप इसको सभी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद इसको जब आप अप्लाई करोगे तब आपको देखने में लगेगा कि जो आपने इसको यूज़ किया वो वाकई में काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर इसको मैं जो है सीधे सब चीज़ करने के बाद इसको सिंपली जो यहाँ पर मैं एक बार इसको सेट कर देता हूँ,
एंड सेट करने के बाद ये हो गया, अप्लाई हो चुका है ऑलरेडी। एंड जैसे कि लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जब आप उसका करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको एक इंटरफेस इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों बस उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये थे 5 ऐसे ऐप जो आपके मोबाइल फोन को फुली कस्टमाइज कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलता है वीडियो के साथ, देखते रहिए द टेक टेक्निकल्स।